अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ इंचौली थाना क्षेत्र के ग्राम भगवानपुर में मंगलवार की सुबह को बिटौरे की राख में एक जला हुआ कंकाल बरामद हुआ, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को बरामद कर जांच में जुट गई। बता दें कि जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह भगवानपुर गाँव के किसान खेत पर सिंचाई करने के लिए जा रहे थे। इस दौरान किसानों को एक जले हुए बिटौरे में नर कंकाल दिखाई पड़ा। वह मंजर को देख उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। जानकारी पाकर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच की। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने कंकाल को डीएनए के लिए भिजवाया। वहीं बरामद हुआ कंकाल आखिर किसका हो सकता है, हत्यारे कौन हो सकते हैं, आखिर किसने इतनी बर्बरता से ऐसे जलाया कि पहचान ही मिटा दी, ये वो सवाल है जिनका जवाब पुलिस अफसरों को चाहिए। पुलिस ने जिले में गुमशुदा लोगों की सूची खंगालनी शुरू कर दी है। थाना इंचौली के लावड़ के भगवानपुर ग्राम में एक बिटौरे में एक कंकाल और लगभग पूरा जला हुआ शव मिला है। शव की शिनाख्त अभी हो नहीं पाई है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम के पश्चात पता चल पाएगा कि वो पुरुष का है या महिला का है, और शिनाख्त हेतु अगल बगल थानों में और डीसीआरबी के माध्यम से शिनाख्त करवाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।